हेलो, मैं प्रोफेसर सुकांत चौधरी। आज हम MN श्रीनिवास जी का विचारधारा है हिंदी में करेंगे। MN श्रीनिवास जी को पढ़ाया जाता है MA में, BA में, MPhil कोर्सेज में, और बहुत जगह पढ़ाया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में पढ़ाया जाता है। तो श्रीनिवास जी ने क्या किया? श्रीनिवास जी वैसे तो मैसूर के ओरिजिनली, एंड हिज फादर शिफ्टेड गए थे वहाँ तमिलनाडु उस जमाने में मद्रास, और फिर वो मैसूर में ही आए। वो बॉम्बे से MA किए, PhD किए गुरिये साहब के अंडर। और जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से MA डिसर्टेशन लिखे थे 1938 में जमा किया था, वो 1942 में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर करके पुस्तक प्रकाशित हुआ। पहला पुस्तक है उनका। श्रीनिवास का जीवन काल 1916 से 1999। ऑलराइट। फिर वो पहला PhD गुरिये साहब के अंडर किए, ये उनको प्राप्त हुआ 1944 में। फिर वे गए लंदन ऑक्सफोर्ड में रैटक्लिफ ब्राउन के अंडर DPhil किए। DPhil मतलब PhD, तो दो PhD किए। ये भी कुर्ग के ऊपर ही किए, और रैटक्लिफ ब्राउन रिटायर हो गए 1946 में। फिर इवांस पिचार्ड के अंडर सबमिट किए। फिर 1948 में वहाँ पर वो लेक्चरर हुए। फिर 1948 से 50 के बीच में बारी बारी में दो तीन बार में वो रामपुरा गांव कुरुक्षेत्र में था, मैसूर का। तब मैसूर था, आजकल कर्नाटक कहते हैं। कुरुक्षेत्र में फील्ड वर्क किया, लेकिन वो फील्ड वर्क वाले जो नोट्स थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। तब कोई स्टूडेंट रायट हुआ, तब वो जल गया सब रायट में। फिर उस कुछ श्रीनिवास के दोस्तों ने कहा, इतना बढ़िया डाटा था, करीब दो तीन ट्रंक डाटा थे उस ज़माने में, तो कहा था कि भाई आप इसको अपने यादों से लिखिए। तो उनको कोई एक लेडी ने हेल्प किया, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया। उन्होंने उस वो एक्सपर्ट थी वो जो जले हुए मटेरियल से पढ़ने का, तो थोड़ा बहुत पढ़ के इनको दिया। इन्होंने रिमेम्बर्ड विलेज लिखा। रिमेम्बर्ड विलेज का हिंदी भी अनुवाद आया है, यादों से रचा गाँव, बहुत अच्छा है। रिमेम्बर्ड विलेज के ऊपर तो बड़ा चर्चा हो गया, डिबेट हो गया, और कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीमियर जर्नल है इंडिया का, उसमें एक पूरा अंक रिमेम्बर्ड विलेज के डिबेट्स के ऊपर आधारित है। TN मदन साहब से बढ़िया लिखा है श्रीनिवास साहब के बारे में, आप ज़रूर पढ़िए उसको। TN मदन जी का पाथवेज करके किताब है, जिसमें चार लोगों को पाथवेज में उन्होंने शामिल किया, उसमें वो हमारे श्रीनिवास साहब है, उनको ज़रूर पढ़िए। फिर बेते साहब का एक ओबिचुअरी श्रीनिवास साहब के ऊपर 1999 में लिखा गया है, EPW इकोनॉमिक पॉलिटिकल, उसको भी ज़रूर पढ़िए। बाकी श्रीनिवास जी का तो राइटिंग बड़े लुसिड है, बड़े सिंपल है, बिल्कुल पढ़िए। काफ़ी राइटिंग्स किताबें उनका हिंदी में अनुवादित है, आप पढ़िए। पर पढ़ने मज़ा आएगा श्रीनिवास जी को आपको। ओके, तो उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच को यूज़ किया, संरचना प्रकारात्मक अप्रोच यूज़ किया, इसलिए कि वो तो उनके स्टूडेंट थे। तो उस ज़माने में रैटक्लिफ ब्राउन और उनके जो कंटेम्पोरारीज थे वो सब स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच किए थे। ये मलिनोस्की वाला फंक्शनलिज्म, रैटक्लिफ ब्राउन वाला फंक्शनलिज्म, और रैटक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को अपनाए। क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जटिल जाल, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यक्तित्व। व्यक्ति जब पैदा होता है और जन्म लेता है तो बायोलॉजिकल व्यक्तित्व होता है, लेकिन बाद में जब उसका इनिशिएशन वगैरह होता है, उपनयन वगैरह होता है, तो वो सामाजिक संरचना में प्रवेश करता है, सामाजिक व्यक्तित्व हासिल करता है। फिर ऑर्गेनिक एनालॉजी, कि समाज को एक ऑर्गेनिज्म के साथ तुलना किया। फिर फंक्शन, जो क्रियाएँ करते हैं पार्ट्स, वो अपने आप को चलाने के लिए करते हैं और संरचना को चलाने के लिए करते हैं। ये सारा चीज़ें उन्होंने प्रयोग किया। फिर वो 48 में तो वहाँ थे, इंग्लैंड में लेक्चरर थे। फिर वहाँ से वो यहाँ आके 1952 से 1957 यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में समाजशास्त्र विभाग स्थापना किए और वहाँ रहे। 1957 में वो आए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स विभाग में सोशियोलॉजी का प्रोफेसर होके आए 1957। 1959 में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी विभाग स्थापना किया और काफ़ी उसको दिल्ली स्कूल को बड़ा लोकप्रिय बनाया। बड़े स्टूडेंट उन्होंने वहाँ से प्रोड्यूस किए, बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट उनका, आप समझ रहे हैं,
प्रोफेसर आंद्रे वैत्ते, देन कलीग्स में प्रोफेसर जे पी एस ओबराई, प्रोफेसर ए एम शाह, प्रोफेसर ए एम रामस्वामी, ई ए रामस्वामी, प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती, प्रोफेसर वीना दास, प्रोफेसर बदगया, सो मेनी पीपल, दे आर ऑल माई टीचर्स. आई हैव डन इट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1982 बैच का मैं हूँ. और फिर वो श्रीनिवास 72 में छोड़ दिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1972 से 1999 टिल इज डेथ वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज बेंगलुरु में रहे. बेंगलुरु तब कहलाता है, आजकल बेंगलुरु कहलाता है. ओके, तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखे हैं जिसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट पुस्तकें आते हैं, और मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको. कि एक तो पहला वाला आता है कभी कभी, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 का, वो एम ए डिसर्टेशन है. फिर वो दूसरा जो है वो इंडियस विलेजेस एडिटेड बुक है 1955 का, बढ़िया. फिर वो मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी आता है अक्सर, मेथड्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एडिटेड है 1952, इसमें रटक्लिफ ब्राउन जी का भी आर्टिकल है, ठीक है. फिर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962, ये हिंदी में अनुवादित है. फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 का, ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक वेस्टर्नाइजेशन पर आर्टिकल है. फिर इंडिया कॉलन सोशल स्ट्रक्चर 1969 का, ये एक इंडिया का प्रोजेक्ट लिया था विलेजेस के ऊपर, उन्होंने उसी का नतीजा है, ठीक है. फिर वो द रिमेंबर्ड विलेज 1976, और डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987, कास्ट कॉलन इट्स 20th सेंचुरी अवतार 1997. इसके अलावा कई और किताबें हैं, इतना बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी है. ज़्यादातर उन्होंने आइडिया किया था, एक तो स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच यूज़ किया, कहाँ पर, वो कुर्ग वाला जो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, उसमें वो एक मोनोग्राफ है. फिर दूसरा मोनोग्राफ रिमेंबर्ड विलेज. ओके, तो इन दोनों में अप्लाई कैसे किया मैं बताता हूँ आप. इसके अलावा उनका मेजर आइडिया क्या है, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, सेकुलराइजेशन, ओके, धर्म निरपेक्षीकरण. ओके, तो हम अभी पहले आपको समझाएंगे वो पहला पुस्तक क्या था, वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया. ये एक स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है, इसमें कई अध्याय है, और जिसमें मेनली क्या किया गया कि ये पितृ वंश के बारे में बातें करते हैं, वहाँ का वो पितृस्थानीय, वो जो रामपुरा है, रामपुरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है. कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक को कई लोग गलती से करते हैं, कह देते हैं कि जनजाति है, जनजाति नहीं है. कुरुक एक एरिया है जहाँ हिंदू रहते हैं, कुरुगिस्तान कहलाता है. लोग वो ऐसा इस्तेमाल प्रयोग किए हैं वर्ड कुरुगिस्तान, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है वहाँ कुरुगिस्तान. कुरुक एक हिंदुओं का क्षेत्र है, और लिंगायत तो ब्राह्मण्स उच्च जातियाँ हैं, लोअर जातियों में ओक्कलिगा है, ओक्कलिगा पिजेंट कास्ट है, बड़ा डोमिनेंट कास्ट रहा, उसी से उन्होंने आइडिया लिया. हेडमैन ओक्का लेकर था वहाँ पर, तो ओक्का पितृवंश को कहते हैं, यानी कि ये लोग पितृवंशीयता, पितृसत्ता, ओके, देन पितृ नाम और पितृस्थानीयता, ये चारों पितृ वाला ये फॉलो करते हैं. उन्होंने उसके बारे में किया है, और कैसे कर्मकांड जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेता है, धर्म, धर्म से सबसे महत्वपूर्ण मिलता है कर्मकांड. कर्मकांड पारिवारिक जीवन में, विवाह में, लाइफ साइकिल रिचुअल, जीवन चक्र पद्धति में, और मृत्यु में, हर समय पे इनका दिन प्रतिदिन जीवन को, रामपुरा के गांव वालों का कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास का भूमिका महत्वपूर्ण रहा है. और देवी देवताओं के बारे में वर्णन है, संस्कृतिकरण के बारे में कहा, प्रभु जाति के बारे में भी वर्णन है, और कैसे हिंदुत्व या हिंदूवाद, जो भी आप कहें, हिंदुइज्म वो डिस्कस करते हैं. वो एनसाइक्लोपीडिया में हिंदुइज्म के बारे में लिखे एक आर्टिकल एम शाह जी के साथ, तो कैसे स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म प्रचार प्रसार हुआ है उसके बारे में उन्होंने, ऑल इंडिया हिंदुइज्म, सब भारतीय हिंदुइज्म के बारे में लिखा है. और उसमें लिखा है कि जो सर्व भारतीय सांस्कृतिक हिंदुवाद का क्या भूमिका रहा है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है. ओके, तो मतलब धर्म का हर जगह भूमिका है,
कि सामाजिक संगठन में धर्म कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये इसके बारे में। ये और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपको लगेगा, कास्ट इज द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, ये कहा, कास्ट इज द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुओं का संरचनात्मक आधार जाति है, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा कैसा, तो रिमेम्बर्ड विलेज अभी बोला कि वो उनका वो डेटा जल गया था तो उससे वो यादों से रचा है ये गांव, उसी गांव के बारे में लिखे हैं। इसमें कई चैप्टर्स हैं और जिसमें मेनली मतलब 11 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला चैप्टर में हाउ इट ऑल बिगन, उस कैसे शुरू हुआ, कि कैसे वो पहुँचे, खासकर उन्होंने कहा कि भावनात्मक रूप से गांव का चयन किया, तार्किक रूप से चयन नहीं किया। और दूसरा चैप्टर में रैपो एस्टैब्लिश कैसे किए, लोगों से कैसे घुल मिल गए, लोग कैसे उनको इनसाइडर माने, वहाँ पर एक डिबेट भी उनके ऊपर है, इनसाइडर हो के कैसे कर सकते हैं, बायसेस आएगा, लेकिन वो इनसाइडर हो के एक नॉवलिस्ट के तरह, उपन्यास लेखक के तरह आउटसाइडर होके वहाँ पर काम किए, क्योंकि आउटसाइडर होके काम करेंगे तो आपको कोई चीज़ में बायस नहीं होगा, कोई चीज़ को ओवरलुक नहीं करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं करेंगे, ये बड़ा अच्छा आइडिया उनका रहा। और तीसरा चैप्टर में वो तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं, पहला गांव का मुखिया विलेज हेडमैन, दूसरा कुल्ले गौड़ा जो उनका चीफ इन्फॉर्मेंट रहा, मुख्य सूचनादाता कुल्ले गौड़ा जी, और तीसरा नादू गौड़ा। नादू गौड़ा जी एक रिच रेस्पोंडेंट थे जो वहाँ एक बुजुर्ग थे, कृषक समुदाय से थे, तीनों के बारे में लिखा। चौथा में लिखा कृषि के बारे में, डिटेल्स टोटल अबाउट कृषि कैसे होता है, क्या होता है, किसके पास कितना एकड़ है, जमीन कितना है, स्टैटिस्टिक्स भी लिया, अच्छा लिखा। पाँचवा गृहस्थी के बारे में, खासकर लैंगिक श्रम विभाजन कैसे वहाँ मिलता है, वुमेन क्या करती है, मैन क्या करते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट चैप्टर में लिखा जातियों के बीच में संबंध, अंतर संबंध, कैसे वो अंतर निर्भरित है, अंतर संबंधित है, किन चीज़ों में कोऑपरेशन है, किन चीज़ों में विपरीतता है, इसमें उन्होंने हरिजन और मुसलमान जातियों को भी शामिल किया। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है कि भूमि के ऊपर आधारित क्या संस्तरण मिलता है, वहाँ भूमि के ऊपर आधारित, भूमि मतलब भूस्वामी, कितना भूस्वामित्व तो है, कितना जमीन है, उसके ऊपर आधारित अलग अलग वर्ग कैसे मिलते हैं, यानी कि जाति बिकमिंग वर्ग के तरह एक विश्लेषण है उसमें। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के बारे में लिखते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन, राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन, सांस्कृतिक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब लिखे हैं रामपुरा गांव। नवा चैप्टर में कैसे आदान प्रदान होता है और संस्तरण कैसे चलता रहता है, इसके बारे में लिखे हैं। फिर दसवां चैप्टर में धर्म के बारे में लिखे डिटेल, देवी देवताओं के बारे में लिखे हैं, और दिन प्रतिदिन जीवन में धर्म क्या भूमिका निभाता है रामपुर वालों के लिए, रामपुरा गांव के बारे में, रामपुर के बारे में कन्फ्यूजन ना हो, रामपुर एक दिल्ली के पास हरियाणा का रानीखेड़ा गांव है, जहां ऑस्कर लुईस ने किया था, उनका नाम रामपुर रखा था, इन्होंने रामपुरा है इनका गांव। 11वां फाइनल चैप्टर को फेयरवेल कहते हैं, कैसे बाय बाय करके वहां से निकले, और कंक्लूजन पूरा थ्रू आउट देखेंगे संरचना प्रकार के उपागम है। इसके अलावा उन्होंने जाति व्यवस्था का अलग अलग स्तर पर लिखा है कि 9 विशेषताएँ हैं, घुरिये के संदर्भ में उन्होंने ये लिखा था कि जाति व्यवस्था के 9 विशेषताएं हैं, घुरिये साहब ने 6 विशेषताएं दिया था। घुरिये का जो पहला वाला था सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, उसको उन्होंने नहीं रखा, उसके बाद वाला जो हायरार्की था इनमें भी है, उसमें क्या क्या है, पहला है संस्तरण, दूसरा है एंडोगामी हाइपरगामी, तीसरा है ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन, चौथा है रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड ड्रिंक एंड स्मोकिंग, पांचवा है डिस्टिंक्शन ऑन कस्टम ड्रेस एंड स्पीच, छठा है पॉल्यूशन, और सातवा में आएगा कास्ट मोबिलिटी, आठवां में कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, और नवा में रिचुअल एंड अदर प्रिविलेजेस एंड डिसेबिलिटीज। मोबिलिटी यानी गतिशीलता जातियों में आ गया है, कैसे, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण आदि के द्वारा, तो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।